पॉलिटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट की सेकेंड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में पहला टॉपिक है हमारा स्केलर एंड वेक्टर। सो स्केलर एंड वेक्टर में आइए जानते हैं स्केलर और वेक्टर। ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप उदाहरण के लिए बोल सकते हैं मास, डिस्टेंस, टाइम, द्रव्यमान, समय, दूरी, ये इस तरह के उदाहरण है जिसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा भी होनी चाहिए। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं उसके साथ दिशा मेंशन है तो मतलब वो किस टाइप की राशियाँ होगी, सदिश राशियाँ होगी। जैसे विस्थापन, वेग, बल, ये राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वेक्टर अगर ये एरो का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है सदिश को, अगर यहाँ पे एरो हटा दिया जाए तो ये अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। एरो लग जाता है तो दैट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। तो ए के ऊपर तीर का निशान रिप्रेजेंट कर रहा है सदिश राशि को। इसी तरह सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी जो कि है उसकी वेरियस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आएगी वेक्टर के। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। सभी लोग ध्यान से देखेगा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड तो होता है बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। कैसी होती है? अपोजिट। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ए वेक्टर है, ये तीन का निशान है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है मान के चलते हैं, और दूसरा मैग्नीट्यूड जैसे मान लो ये है, इसका भी मैग्नीट्यूड 5 है, इसका परिमाण तो साथ में सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। इसीलिए इस टाइप के सदिश को, इस टाइप के वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। समझ में आ गया? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है? जिसमें सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। क्या अंतर क्लियर है? अब इसमें क्या होगा? देखिए ए वेक्टर इक्वल टू इसका परिमाण कितना है 5, बी वेक्टर का कितना आएगा वो भी 5, सेम मैग्नीट्यूड पर सेम डायरेक्शन ऑल्सो। इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? इक्वल वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, मतलब परिमाण कितना होना चाहिए 8। इसका एक सूत्र है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर इस सिंबल से, दैट मीन दिस इज कॉल्ड कैप, ए कैप। ठीक है, ए कैप का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर जैसा था वैसा, अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। क्या आंसर क्लियर? अब इसका एक करते उदाहरण, जैसे ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये z एक्सिस को बताता है। ठीक है, अब अगर मुझे इसका एकांक सदिश निकालना है तो एकांक सदिश क्या होगा? a कैप बराबर a वेक्टर क्या होगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन कितना आएगा? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आपका जो भी आंसर आएगा आपको लिखना है, वो आपका क्या होगा? ए कैप। क्लियर है? ठीक है, अब है नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसमें डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। इसमें सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मान लो ये 5 है, 3 है, 4 है, मैग्नीट्यूड अलग अलग पर डायरेक्शन
same. This is called collinear vector. Clear it? Triangle law of vector addition. सदिशों के त्रिभुज नियम. ठीक है? ये सदिश के योग का त्रिभुज नियम है. और ये सबसे important topic है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर triangle law of vector addition. जिसको English definition में मैंने short करके लिखा है, two vectors can be represent in magnitude and direction. अब आप डायग्राम में देखेंगे, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर. कैन बी रिप्रेजेंट एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हिंदी में कहा जाए, दो सदिशों को दर्शाया गया है त्रिभुज में, ए वेक्टर और बी वेक्टर. क्लियर है? समीकरण टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये दो सदिश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक परिमाण और एक दिशा. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. समझ में आया? अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो आपको कहाँ मिलेगा? त्रिभुज की तीसरी भुजा. कहाँ मिलेगा? तीसरी भुजा. क्लियर है? लेकिन जो तीसरी भुजा है, वैसे देखो ऐसी इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें परपेंडिकुलर लाइन को डाला. ठीक है? जिसकी वजह से पाइथागोरस प्रमेय लगा. क्या लगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा. पाइथागोरस प्रमेय से हमारे को आंसर क्या मिला? आर वेक्टर इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. क्लियर है? और अगर मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, अल्फा बीटा गामा जो भी एंगल है, एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा बराबर बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा. क्लियर है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मेथड काय पे काम करती है? हेड एंड टेल पर. ठीक है? जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर. दोनों का अगर हेड जॉइंट है तो ये योग एडिशन नहीं कर पाएगा. समझ में आया? ये गलत प्रोसेस हो जाएगी. ठीक? हमको क्या करना पड़ेगा? हेड और टेल मेथड. ये ए वेक्टर तो बी वेक्टर को ऐसे लाना पड़ेगा. ठीक है? तो ये हो जाएगा परिणामी सदिश आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इस टाइप से मतलब ये किसमें काम कर रहा है? हेड और टेल की मेथड. काय में? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. धन और माइनस जो भी आप कहते हैं, धन और ऋण. ठीक है? किसी को डाउट हो तो पूछो. डायग्राम लिखना है. ठीक है? अब हम इसमें करेंगे समांतर